बिल्कुल पंजाब सरकार ने इत्थे चैलेंज किया हाई कोर्ट के स्टे नूं ते सानूं अज इत्थों स्टे ते जिहड़ी है राहत मिली है ते असी जिहड़ा वो बिल्कुल जो कार्रवाई है अगे तोरांगे हुण क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी बहुत साढ़े लखां हिरदे वलूंदरे गए और उहदा कोई रिजल्ट ही नहीं निकलिया दो सरकारां च तो असी भी वादा यही वादा किया लोगों नाल कि असी इहदा इंसाफ दवावांगे और दवावांगे और जिदे जिहड़े मर्जी वकील करने पैण सानूं जो मर्जी करना पवे लोगों के हिरदे नूं शांति तो मिलनी चाहिए। देखो देखो ये पराली का मुद्दा जो है ये एक स्टेट का नहीं है मुद्दा, ये नॉर्दर्न पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, ऐड आती है ना पापा युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते। बिठाओ सारी स्टेटों को बिठाओ, बुलाओ और कंपनसेशन दो, कोई उसके नतीजे साइंटिस्टों को बुलाओ। पंजाब का किसान नहीं चाहता, पहली बात तो धान भी चाहता है कि मैं ना उगाऊँ, पानी नहीं है हमारे पास, वाटर लेवल जो है हमारा नीचे चला गया, लेकिन कोई अल्टरनेटिव फसल जो है वो कहाँ से, उसकी MSP नहीं मिलती। तो बड़े शानो शौकत से हम कहते हैं इस बार 180 लाख मीट्रिक टन धान जो है पंजाब सेंट्रल पूल में देगा, यहाँ तक तो शाबाश अन्नदाता, लेकिन 180 लाख टन की पराली भी तो आएगी, तब कहते हैं उस पर पर्चा करो, उसको पकड़ो, उसको कंपनसेशन डैमेज उसका जुर्माना करो। दिल्ली तो पता नहीं पंजाब का धुआं आता है पता ना, वे तो NGT के जो रिटायर जज थे उन्होंने बोल भी दिया था कि पंजाब का कोई लेना देना नहीं। पहले तो जब हम आग हमारे यहाँ पराली को लगती है उस किसान के खुद के और उस पूरे गांव के फेफड़ों में से निकलती है ना, वो कोई कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से तो सांस नहीं लेते, लेते तो ऑक्सीजन से ही है ना, लेकिन उसके लिए बैठना पड़ेगा। ऐसे मीटिंगें करके आ जाते हैं, अब मेरी मीटिंगें हुई हैं बहुत सेंटर के साथ, जी प्रेरित करो, मैंने कहा जी कंपनसेशन दे दो, कुछ इंडिया गवर्नमेंट दे दे, कुछ पंजाब गवर्नमेंट दे देगी, उनको बोलेंगे कि ये आपका कंपनसेशन है, आग नहीं लगानी है। नहीं जी पैसा नहीं है, प्रेरित करो, प्रेरित तो फिर भाई साहब पता नहीं कितने सालों से बसों पे लिखा हुआ है दुल्हन ही दहेज है, दो ही काफ़ी और ही माफ़ी, क्या आप जनसंख्या होगी कम कंट्रोल में, क्या कोई दहेज लेना बंद कर दिया किसी ने, प्रेरित करना क्या है यार, तो आप जो प्रैक्टिकल बात करो अगर करनी है। तो इसीलिए हम बहुत कुछ करें, हमने 1.25 लाख मशीनें दी हैं इस बार और NGO से बात करके, और कुछ किसान हमारे सभी किसान नहीं चलाते, 75 लाख एकड़ हमारा 75 लाख हेक्टेयर हमारा धान आता है, उसमें से लगभग 40 लाख नहीं जलाते, उनको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दूसरों को भी करिए हो जाएगा कम, और एफर्ट्स में हम कोई कमी नहीं करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी जो आते रहते हैं हमें गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं, तो आने वाले दिनों में हम तो चाहते हैं कि हमारा, हमें तो गुरु नानक साहब ने सदियों पहले लिख दिया था वाणी में, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, पवन हवा, पवन को गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को माँ का दर्जा, कि ये तीनों दर्जे कायम रख दिए तो रखने रख, हम तो ग्रंथ में गुरु ग्रंथ मतलब विश्वास रखते हैं कि हम गुरुओं की वाणी को उनके वचनों को हम फॉलो करें। आगे आने वाले दिनों में आते जाते रहेंगे, प्रिंसिपल्स भी गए थे पहले, आप मिडिल वाले भी गए थे, अभी ये बच्चे हैं, और इनसे मेरे से ज़्यादा ना, मेरे पास तो ये माइकों का ढेर जो है ना ये लगा ही रहता है, इनसे ज़रा पूछिए कि वो कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है दिवालिया। मैंने इनको कहा है कि दिवाली आपने बहुत सी मनाई होगी लेकिन याद नहीं होगी कोई, एक दिवाली छोड़ के देखो, इस बार ये दिवाली वहीं मनाएंगे, ये सारी उम्र याद रहेगा कि हम एक बार वहाँ विदेश में गए थे तब दिवाली यहाँ थी। तो बच्चों के भविष्य के लिए और पंजाब को नंबर 1 स्टेट बनाना है तभी देश नंबर 1 बनेगा, पंजाब हमेशा
हर लहर में पंजाब लीड करता रहा, चाहे वो हरा इनकलाब है, चाहे वो आज़ादी का संघर्ष है, चाहे वो कुछ कोई भी देश में कोई इनकलाब या कुछ चेंज बदलाव, तो पंजाब लीड करता है। अभी आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली के बाद सीधा ही पंजाब, पंजाब में पहले 4 MP, उसके बाद 20, उसके बाद 92, तो पंजाब जो है वो रेवोल्यूशनरी लोग हैं, जो आज़ादी में हमारे 90% योगदान है हमारा। अब हमें कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे तो अच्छा नहीं लगता, देश ही हमने लेके दिया है। हमारे बुजुर्गों ने फांसी के फंदे, हमारे शहीदों ने तशद्दद आज़ादी के समय जेलें काटी, तो पंजाब जो है वो बहुत ही सेंटिमेंटल स्टेट भी है, प्यार से जो मर्जी हमसे ले लो, लेकिन हमारे साथ अगर कोई बेइंसाफी होगी तो प्रोटेक्ट करें। नहीं, मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इनको दिल्ली में टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि शुरुआत इन्होंने की, हमें एक बना बनाया तजर्बा मिल गया, हमने वहाँ से शुरू किया जहाँ दिल्ली ने ख़त्म किया, और दिल्ली में जगह की कमी है तो स्कूल फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हमारे पास 10-10, 20-20 एकड़ में भी स्कूल हैं, तो ग्राउंड हम बनाने में, हॉकी का ग्राउंड, फुटबॉल का ग्राउंड, तो हमारे यहाँ हमारे हमें ये फ़ायदा है, और किया हुआ तजर्बा जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें जो इनको चैलेंजेस फेस हुए वो हमें नहीं हुए, तो इसलिए हम टाइम में थोड़ा तेज़ी में चल रहे हैं, लेकिन लेवल में बच्चे जो हैं, जो हमारे बच्चे भी, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो 22 में बनी है, दिल्ली में 15 में काम होने लगा था, 7 साल तो वैसे ही टाइम इनका, मोहल्ला क्लिनिक का भी इनको जितने मोहल्ला क्लिनिक बनाने में, 100 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में टाइम लगा, उतने में हमने 500 से ऊपर बना लिया, क्योंकि हमें पता था कि ऐसा होता है, हमारे पास जगह थी यहाँ पे, वो भी मोहल्ला क्लिनिक भी ला के, कहीं से कोई प्लास्टिक का कोई ला के वो करना पड़ता था, हमारे पास जगह। थैंक यू। देखो, बहुत से लाखों पंजाबी हैं जो कनाडा में रहते हैं और उनके यहाँ रिश्ते हैं, या उनकी वजह से यहाँ बहुत से चूल्हे जलते हैं, वो अपने शादी ब्याह या त्यौहार मनाने के लिए यहाँ भी आते रहते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, तो उसके लिए तो जो सेंट्रल सरकार है सबके साथ हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। कनाडा तो पंजाबियों के लिए तो खास, आप हमारे तो आप जाओगे तो पानी की टंकियों पर जहाज बने हुए हैं, और आईफल टावर और सीएन टावर हमारे पानी की टंकियों पर बने हुए हैं, लोगों के घरों पे, तो गाड़ियों पे कनाडा के झंडे लगे हुए हैं, अमेरिका के झंडे लगे हुए हैं, इंग्लैंड के। सो पंजाबीज आर ग्लोबल सिटीजन्स, सो जिस देश से भी कोई रिश्ता खराब होता है तो